फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे चावल और यम्मी मैगी से बिल्कुल ही नया नाश्ता, जो बड़े तो बड़े बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल को पहले से भिंगो कर रखा था और ये अच्छे से फूल गया है। तो चावल मैंने एक कप लिया है, ये देखिए ये नॉर्मल चावल है जो मैं डेली यूज करती हूँ, वही चावल को मैंने भिंगोया था। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी था मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसे मिक्सी में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में इसे डाल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बॉयल आलू। तो इसे मैं इस तरह से तोड़ के डालूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। अगर आपके पास बॉयल आलू नहीं है तो उसकी जगह आप कच्चा आलू को भी पीसेस में काट कर डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पीस लिया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने निकाल लिया है तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक यप्पी मैगी लिया है और इसे मैं इस तरह से क्रश कर लेती हूँ। आपके घर में जो भी मैगी वगैरह हो वो इस रेसिपी में आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यप्पी मैगी ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पानी है जो बॉयल हो गया है तो इसमें मैं मैगी को डाल दिया है और इसे इस तरह से मिलाकर 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च को बारीक टुकड़ों में काटा और एक टमाटर को मैंने बारीक टुकड़ों में काटा है। तो यहाँ 2 मिनट हो गया था तो मैंने शिमला मिर्च और टमाटर दोनों को एक साथ में डाल देती हूँ और इसे मिला लेती हूँ और 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देती हूँ। तो यहाँ 2 मिनट हो गया है और ये देखिए ये भी अच्छे से हल्का सा पक गया है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने चावल को पीसा है उसमें मैं डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला। उसके बाद मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच मैंने गोल की जीरा का पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने छोटा चम्मच से भुंजा हुआ मसाला डाला है। तो भुंजा हुआ मसाला जो है मेरे वीडियो में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, इससे इसका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, बनाते वक्त ही डाले, पहले से डाल के ना रखे। और यहाँ पर पैन को मैंने रख दिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल को इस तरह से मैं फैला लेती हूँ, तेल भी अच्छा गर्म हो गया है। तो इसमें मैं 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। अगर आपके पास तिल ना हो तो आप बिना तिल का भी ये रेसिपी बना सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। तिल से थोड़ा सा इसका टेस्ट है जो अलग है, तो अगर है तो आप ज़रूर डालें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया और 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पर इसे ढक कर पकाऊँगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है, तो इसे मैं इस तरह से प्लेट में रख लेती हूँ। फिर से मैं दूसरी तरफ इसे पकने के लिए इसमें डाल लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी रखने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखेगा तो ये टूट सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से इसे पलटे। तो इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देती हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गया है, दोनों तरफ ये अच्छे से पक गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो ये बिल्कुल ही नया रेसिपी है, एक बार आप घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऊपर से ये क्रिस्पी है और नीचे से बिल्कुल ही सॉफ्ट है, इसमें जो सब्ज़ी वगैरह डाला है उससे ये और टेस्टी लगता है। आप चाहे तो जो भी मनपसंद सब्ज़ी वगैरह खाते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं बारीक टुकड़ों में करके। तो मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि अंदर तक देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और ये बिल्कुल ही नया रेसिपी है, तो एक बार मेरे तरीके से आप घर पर ज़रूर ट्राई करके देखें और इसे अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ भी आप इसे खाकर आप देखें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक बार आप बना लेंगे तो दोबारा आप इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।